कोडरमा पुलिस ने 5 लकड़ी माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला लकड़ी चोरी से जुड़ा है। दरअसल हुआ यूं कि एक ट्रैक्टर पर काफी मात्रा में माफिया लकड़ी चोरी कर ले जा रहे थे। इसी दौरान गश्ती दल की नजर इन पर पड़ी। गश्ती दल में वनरक्षी राजेश शर्मा, अभिमन्यु कुमार एवं विभागीय वाहन चालक बंटी कुमार शामिल थे। जब इन लोगों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो दर्जनों की संख्या में आए अपराधियों ने वनकर्मियों पर कुल्हाड़ी लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर लकड़ी समेत ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर वन विभाग ने वन कर्मियों को सीधे निर्देश दिया कि रात में कोई कार्रवाई करनी है तो पहले पुलिस को सूचना देनी है और बिना पुलिस के कार्रवाई नहीं करनी है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ जारी है। इसमें फील्ड में वनरक्षी प्रभारी वनपाल और रेंज अफसर को निर्देश दिया गया है कि रात में जब भी कार्रवाई करने जाएं अवश्य रूप से स्थानीय थाना और स्थानीय पुलिस को सूचित करें और साथ में लेकर जाएं किसी भी इस प्रकार की कार्रवाई में, और आगे भी इस तरह इस निर्देश का सख्ती से पालन। उसमें 2 वनरक्षी गंभीर रूप से घायल हुए थे जिनका मेडिका में इलाज किया गया था। उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ है। अभी दोनों की स्थिति अभी सामान्य है, स्टेबल है दोनों। तारीख को एक डोमचा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया का जंगल है, वहाँ पे एक टीम गई थी वन आरक्षियों की, उसके साथ मारपीट और उस पर हमला हुआ था। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके एक टीम का गठन हम लोग किए थे, जिसका नेतृत्व CI डोमचाच कर रहे थे, और टीम जो है लगातार सूचना संकलन कर छापामारी कर रही थी, जिसमें हम लोग 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। और जो हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और बाकी अभियुक्तों को भी हम लोग जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें ये हम बता देना चाहते हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और जो भी क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह के बिल्कुल चेतावनी है कि छोड़ दे और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उनकी जल्द गिरफ्तारी करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।